एंड वेलकम बैक टू द इन्वेस्टोलॉजी। सो गाइस, मेनी ऑफ यू पीपल आर वंडरिंग कि मैं क्यों इतने टाइम से लाइव नहीं था, एंड उसके लिए मैंने एक वीडियो आप लोगों के सामने प्रेजेंट करी थी। प्लस आप लोगों को मैंने बताना था कि मैंने फर्स्ट इन्वेस्टमेंट से अपना नाम चेंज करके द इन्वेस्टोलॉजी रख दिया है। यस गाइस, हम लोगों ने अपना नाम चेंज कर दिया है कंपनी का, एंड कंपनी की जो भी प्रिपरेशंस हो रही है वो बिल्कुल अच्छे से चल रही है। बहुत अच्छे अच्छे स्टेप्स हम लोग फॉलो कर रहे हैं, एंड बहुत बढ़िया कंटेंट आप लोगों के लिए हम लोग लेकर आने वाले हैं, वेदर इट्स इन यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, इन एवरी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। एंड इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें और बेनिफिट्स भी हम लोग लेकर आने वाले हैं। प्लस बीस भी पेशेंस, और मुझे लगता है कि थोड़े टाइम पे ही हम लोग बहुत अच्छी कम्युनिटी बिल्ड कर लेंगे। सो अब बात करते हैं, मैं ज़्यादा लंबा टाइम नहीं लगाऊंगा, अब बात करते हैं कि यूट्यूब चैनल पे हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। देखिए, हम लोग जो आप लोगों को स्टॉक्स रिकमेंड करते हैं ऑन अ डेली बेसिस कि कौन से स्टॉक्स बाय करने हैं, कौन से स्टॉक्स आपको सेल करने हैं इंट्राडे के लिए, तो वो तो आप लोगों को प्रोवाइड होंगे। वो पांच में से हम लोगों ने तीन कर दिए हैं, अब हम लोग आपको थ्री स्टॉक्स प्रोवाइड करवाया करेंगे। इसके अलावा हम लोग टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड और भी टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस लेकर आने वाले हैं, जहां पर हम आप लोगों को बेसिक टर्मिनोलॉजी से लेके एडवांस स्ट्रैटेजीज तक एक्सप्लेन करने वाले हैं। सो ये पूरी सीरीज, पूरी प्लेलिस्ट भी हम लोग हल्के हल्के तैयार करने वाले हैं। इंस्टाग्राम के अंदर भी बहुत कुछ नया आने वाला है मंडे से, यानी कि कल से, सो प्लीज स्टे ट्यून्ड। इसके अलावा गाइस, हम लोगों ने अपनी वीकली रिसर्च रिपोर्ट को और एडवांस बनाने की कोशिश करी है। सो अगर आप लोगों को एवरी वीक हमारी तरफ से 15 पेजेस की एक रिसर्च रिपोर्ट चाहिए कि नेक्स्ट हफ्ते मार्केट में क्या क्या हो सकता है, सो प्लीज आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को जो क्लिक कर सकते हैं, एंड वहां पे अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब अपनी डिटेल्स एंटर करेंगे तो आप लोगों को हम लोग ऐड कर लेंगे, एंड आपको एवरी संडे वो मेल मिलना स्टार्ट हो जाएगा वीकली रिसर्च रिपोर्ट के अलावा। इसके अलावा आप लोगों को हफ्ते में तीन आर्टिकल्स भी हमारे मेल के थ्रू प्रोवाइड होंगे, जहां पर आर्टिकल्स पे आप लोगों को टेक्निकल एनालिसिस के बारे में ब्रीफली और बहुत अच्छे तरीके से समझाया भी जाएगा। सो बहुत बढ़िया बढ़िया कंटेंट हम लोग लेकर आने वाले हैं, स्टे ट्यून्ड विद अस। एंड आप लोगों को आशीर्वाद चाहिए, आप लोगों की ब्लेसिंग्स चाहिए, और डेफिनेटली हम लोग बहुत ऊपर तक जाएंगे आप लोगों के साथ मिलके ही। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो पे हम लोग बात करने वाले हैं कि कल कौन से स्टॉक्स पे ट्रेड करना है, कौन से स्टॉक्स बढ़िया परफॉर्मेंस दे सकते हैं, प्लस निफ्टी बैंक निफ्टी का सिनेरियो क्या हो सकता है। दो फैक्टर्स के थ्रू हम लोग अपना एक प्लानिंग बनाएंगे, टेक्निकल्स प्लस ऑप्शन डाटा, इन दोनों के बेसिस पर हम लोग एक थ्योरी डिसाइड करेंगे और एक प्रेडिक्शन लेकर हम लोग बताएंगे कि कल की मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर सकती है। सो चलते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपने डेस्कटॉप अपने स्क्रीन पे और देखते हैं कौन से स्टॉक्स बढ़िया परफॉर्मेंस दे सकते हैं। सो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप लोग मेरे ट्रेडिंग सिस्टम या सेटअप पे आ चुके हैं। सबसे पहला स्टॉक जो मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, दैट इज PFC, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। अब यहाँ पर मैंने वीकली टाइम फ्रेम ओपन करा हुआ है और मैंने कुछ भी ड्रॉ नहीं करा हुआ। सो सबसे पहला स्टेप क्या है, मैं आप लोगों को बताते रहूँगा कि कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, क्या क्या चीज़ें देख रहा हूँ, कि आप लोगों की नॉलेज इस चीज़ में इंक्रीज होती जाए। हर पर्टिकुलर स्टॉक में 1 से 2 मिनट ज़्यादा एक्स्ट्रा लग सकते हैं, बट आपको पता चल जाएगा कि मैं कैसे स्टॉक्स को फाइंड करता हूँ। ये सबसे और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट होता है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर एक नेकेड चार्ट है, चार्ट सेटअप है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले मुझे देखने को मिल रहा है कि ये एक बार बार रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। आप देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम टेस्ट करा, सेकंड टाइम करा, थर्ड टाइम करा, फोर्थ टाइम करा और फिफ्थ टाइम करने आया है। तो ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब इसको अगर मैं जूम करके और स्टडी करूँ तो मुझे लग रहा है कि यार ये एक पैटर्न भी फॉर्म कर रहा है। इस पैटर्न को हम लोग क्या कहते हैं, इस पैटर्न को हम लोग कहते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ये देख रहे हैं, ये एक शोल्डर है, दिस इज हेड एंड दिस इज नेक्स्ट शोल्डर। सो ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म कर रहा है। अब इसका अगर ब्रेकआउट आता है तो हमें अच्छे टारगेट्स देखने को मिलते हैं। कैसे, ये जो शोल्डर है, जो शोल्डर का डिफरेंस होता है ना, एग्जैक्टली उतना टारगेट होता है। सो लेट मी शो यू कि इसका टारगेट कहाँ तक हो सकता है। ये शोल्डर की हाइट है, एग्जैक्टली इतना टारगेट हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि 170 रुपीज का टारगेट है, ठीक है, अगर इसका ब्रेकआउट देता है। सो राइट नाउ द करंट प्राइस इज 135.20, 136.20 के ऊपर अगर ये निकलता है तो अच्छे टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। और फर्दर स्टडी करते हैं एक बार, ठीक है। अब एक बार चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे।
डेली टाइम फ्रेम पे चेक करते हैं, लेट मी शो यू। या डेली टाइम फ्रेम पे हम लोगों को लग रहा है, देखिए एक पहले हम लोगों ने टॉप से एक रेजिस्टेंस ड्रॉ करा, ठीक है। इसके अलावा हम लोगों ने एक ये रेंज हमें दिख रही है, ये रेंज हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम लोग एक ये ड्रॉ कर सकते हैं। अब आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी, ये एक शार्प अप मूव आई, एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा, रेंज के अंदर ट्रेड करने के बाद अब ये एक ब्रेकआउट दे रहा है, ठीक है। अब ये एक ब्रेकआउट दे रहा है, तो यानी कि फ्लैग एंड पोल पैटर्न का ब्रेकआउट दे रहा है डेली टाइम फ्रेम पे, हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट दे रहा है वीकली टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ पर अगर इसका ब्रेकआउट आता है तो अच्छे लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। सो बाय अबव 36.20, टारगेट 150 to 170 रुपीज का, एंड स्टॉप लॉस इज बिलो दीज टू पर्टिकुलर ह्यूज कैंडल, ठीक है। इसके नीचे 126 रुपीज का हमारा स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। सो हमारा सेकेंड स्टॉक है एल्कम लैब। एल्कम लैब में अगर आप देख सकते हैं कि एक ट्रेंड आपको पता चल रहा होगा कि ये स्टॉक एक बुलिश ट्रेंड के अंदर काम कर रहा है, हमेशा ऊपर जाता है, छोटा सा रिट्रेसमेंट आता है एंड दोबारा ये नया हाई क्रिएट करता है। सो चलिए इस पर अपनी एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं देखता हूँ, मैं अपने सारे बॉटम्स को कनेक्ट करता हूँ, इसके अलावा मैं सारे टॉप्स को कनेक्ट करता हूँ, ठीक है। सो ये एक राइजिंग चैनल के अंदर ये स्टॉक काम कर रहा है। दूसरी चीज, अब आप लोगों को लग रहा होगा कि सर इसने तो अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस, अपने चैनल के रेजिस्टेंस को टेस्ट करा है, तो अब सपोर्ट भी आएगा क्योंकि प्रीवियसली भी ऐसा हुआ है। ये सपोर्ट पे आ सकता है, बट हम लोग इसी लेवल पे भी बाय कर सकते हैं। क्यों? इसके पीछे का साइकोलॉजी है जो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो लेट्स थोड़ा सा जूम कर लेते हैं स्टॉक को, एल्कम लैब है स्टॉक का नाम। अब आप देखिएगा एग्जैक्टली अपने सपोर्ट से ये बाउंस करा और ऊपर की तरफ किया, तो आप देख रहे हैं ये इसने अपमूव करी, उसके बाद दो इनसाइड कैंडल क्रिएट करी, एक बड़ी कैंडल के अंदर दो छोटी कैंडल क्रिएट करी, और ये जो थर्ड कैंडल थी इसने ब्रेकआउट दिया इस लेवल के ऊपर, ठीक है। तो यहां पर एक ब्रेकआउट आया, तो क्या आप लोग एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं इस लेवल पे एक ब्रेकआउट आने की? देखिए जब ब्रेकआउट दिया तो जो नेक्स्ट कैंडल थी उसने सपोर्ट लिया और एक नया हाई क्रिएट करा, नया हाई क्रिएट करने के बाद दोबारा नीचे आया, इसने थर्सडे के ट्रेडिंग सेशन पे यहां पर सपोर्ट दोबारा लिया, सेकेंड टाइम सपोर्ट लिया और अब ऊपर जा रहा है। तो क्या ये लेवल एक स्ट्रॉन्ग लेवल है कि नहीं है? डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग लेवल है और यहाँ पर हम लोग एक बाय सेटअप जनरेट कर सकते हैं। क्या अब इस स्ट्रॉन्ग लेवल को बताने के लिए और अच्छे से समझने के लिए क्या ये एक्चुअल में एक बेस बन सकता है, इसको हम लोग लेकर चलते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। सो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जैसे ही हम चलते हैं और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ एक मूविंग एवरेज लगा के, जो कि 200 डे की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। अब आप देख सकते हैं कि 200 डे की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे एग्जैक्टली सपोर्ट लिया और यहाँ से ये बाउंस करा। क्या अब ये पीछे भी इसने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? बैक टेस्टिंग करेंगे। बैक टेस्टिंग करते हैं तो थोड़ा पीछे चलते हैं, पीछे चल के हम लोगों को देखने को मिल रहा है येस यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया और यहाँ से एक बहुत बढ़िया बाउंस देखने को मिला। और फर्दर पीछे चलते हैं, येस यहाँ पर भी सपोर्ट लिया और बहुत बढ़िया इसने बाउंस दिया है, ठीक है। आप यहां देख रहे हैं एग्जैक्ट यहां पर इसने एक बेस क्रिएट करा और बहुत बढ़िया बाउंस दिया। अब एक चीज तो पता चल गई कि 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेता है 1 आवर टाइम फ्रेम पे और वहां से एक नया हाई क्रिएट करता है, तो बाय कब करें? जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर हमें बाय करना है तो मैं एक ट्रेंड लाइन बना सकता हूँ टॉप से बॉटम तक की, इसने एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया तो यहां पर हम लोग एक बाय सेटअप जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। और थोड़ा फर्दर चलते हैं, यहाँ पर अगर हम देखें यहाँ पर भी हम लोगों ने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी, इसने इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया, यहाँ पर हम लोग एक बाय सेटअप जनरेट करके चल सकते हैं। अब थोड़ा और फर्दर आते हैं, यहाँ पे क्या करें? तो यहाँ पर भी एग्जैक्टली हम लोगों ने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी, ट्रेंड लाइन का इसने ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट करके ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पर भी हम लोग एक बाय सेटअप जनरेट कर सकते हैं बिकॉज पास्ट में ऐसा हो चुका है, ठीक है। सो राइट नाउ द करेंट प्राइस इज 3794, हमें बाय करना है 3808 के ऊपर बाय करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसने थोड़ा सा हर्डल क्रिएट करा है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखाऊं मैं आपको, ये देख सकते हैं इसने यहाँ पर छोटा सा हर्डल क्रिएट करा है, इस हर्डल के ऊपर, इस कैंडल के ऊपर हाई को अगर क्रॉस करके ऊपर जाएगा तो बहुत बढ़िया टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। सो हम लोग 3808 के ऊपर बाय करेंगे
3840 हमारा टारगेट होगा एंड 3775 हमारा स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, स्टॉक का नाम है एल्कम। लेट्स मूव टू आवर थर्ड एंड लास्ट स्टॉक गाइज। ये है हमारा थर्ड स्टॉक भारतीय एयरटेल। भारतीय एयरटेल ये डेली टाइम फ्रेम के लिए नहीं है, ये मैंने मंथली टाइम फ्रेम आप लोगों के लिए ओपन करा हुआ है और इस पर मैंने ऑटोमेटिकली सब कुछ ड्रॉ कर रखा है। क्या रीजन है स्टॉक देने का? बिकॉज इसने मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स दिए हैं एंड अपने एग्जैक्टली टॉप हाई पे चल रहा है और मुझे लगता है कि यहाँ से ये बहुत ही बढ़िया रिटर्न आने वाले टाइम पे दे सकता है और इसका जो अप ट्रेंड है वो अब कंटिन्यू रह सकता है, मतलब इसका जो बुल रन है वो अब कंटिन्यू रह सकता है। सो स्टॉक को अब एक बार हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। सबसे पहले मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी हुई है सारे हाईस को कनेक्ट करके, जो कि मैंने 2012 से लिया है। 2012 से मैंने हाईस लिए और अभी रिसेंटली हाईस तक कनेक्ट करा है। तो आप देख सकते हैं इसने एक बहुत बढ़िया ब्रेकआउट दिया प्रीवियस मंथ और इस मंथ उसके ऊपर सस्टेन भी कर रहा है। ठीक है, दूसरी चीज मैंने बॉटम्स ले रखे हैं एंड यहाँ पर आप देख रहे हैं एक साल से ये ऑलमोस्ट हम लोग देख रहे थे कि ये इसी रेंज के अंदर काम कर रहा था। ये देख रहे हैं एक शार्प अपमूव आई एग्जैक्ट इस लेवल से, ऑलमोस्ट 30% का एक फॉल दिया इसने। ठीक है, इसके अलावा आप देख सकते हैं एक दोबारा अपमूव आई, इसके अलावा इसने एक दोबारा फॉल लिया। ठीक है, सो अब आपको एक चीज समझ में आ रही है, यहाँ पर मल्टीपल रेजिस्टेंस फेस कर रहा था एंड इसके ऊपर जाके इसने ब्रेकआउट दिया प्रीवियस मंथ और इस मंथ इसके ऊपर सस्टेन भी कर रहा है। आई थिंक इसने अपने लॉन्ग टर्म चैनल और लॉन्ग टर्म रेंज का ब्रेकआउट दिया है, सस्टेन कर चुका है। अब यहाँ पर कोई भी डिप आती है इज एन अपॉर्चुनिटी टू बाय टू लॉन्ग इन भारतीय एयरटेल। सो इट्स नॉट अ डेली वन डे इंट्राडे स्टॉक और अ स्विंग ट्रेड स्टॉक, इट्स अ लॉन्ग टर्म स्टॉक। मुझे लगता है कोई भी डिप आती है स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग दिस पर्टिकुलर स्टॉक और ये अच्छे रिटर्न दे सकता है। दूसरी चीज यहाँ पे ये एक रेंज आप देख रहे हैं, इस रेंज का जो डिफरेंस है, ठीक है, ये जो बॉटम है एंड दिस इज द टॉप आई थिंक, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं ये कप एंड हैंडल भी बना है पैटर्न। इस कप एंड हैंडल पैटर्न का अगर मैं टारगेट देखूं तो ऑलमोस्ट 800 रुपीज का मुझे टारगेट देखने को मिल रहा है। सो कोई भी टिप आती है बाय करिए 800-850 रुपीज तक के टारगेट से, जो ये स्टॉक लॉन्ग टर्म पे दिखा सकता है और अच्छे लेवल्स भी आ सकते हैं। सो आई थिंक गाइस यही थे मेरे तीन स्टॉक्स। अब बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के चार्ट्स पे एक बार, इसके अलावा हम लोग चलते हैं अपने ओपन इंटरेस्ट के डाटा पे और देखते हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी का क्या सिनेरियो लगता है नेक्स्ट वीक के लिए। ठीक है, सो लेट्स मूव टू निफ्टी बैंक निफ्टी ट्रेड सेटअप। सो मैंने निफ्टी का ट्रेड सेटअप आपके सामने ओपन कर लिया। अब यहाँ पर हम लोग कुछ ड्रॉ करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से निफ्टी हमें क्या लगता है कि कहाँ तक जा सकता है। देखिए अभी निफ्टी पे चार्ट्स पे देखना, अगर हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे देखें या 2 आवर के टाइम फ्रेम पे देखें तो निफ्टी के चार्ट्स को देखना अभी ज़्यादा बढ़िया नहीं है अपॉर्चुनिटी। क्यों? क्योंकि ये एक सीधा अप ट्रेंड में जा रही है, हल्का सा फॉल आ रहा है और दोबारा एक अप ट्रेंड कंटिन्यू कर रही है, सो वो भी पूरे दिन के अंदर अंदर ही, तो इसलिए चार्ट्स हमें ज़्यादा अभी कुछ बता नहीं पाए। बट जितना कुछ 15 मिनट का टाइम फ्रेम बता सकता है उतने पर हम लोग एक बार स्टडी कर लेते हैं। सो आई थिंक ये एक रेंज है, ठीक है, जो टॉप की एक रेंज है। इसके अलावा हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि ये एक लेवल बन सकता है, ठीक है, एंड एक लेवल ये भी है, लेट मी शो यू, ये देख रहे हैं। और लास्ट मुझे जो देखने को मिल रहा है वो देखने को मिल रहा है एक ये लेवल, ठीक है। सो मुझे अभी तक क्या पता चला कि एक फॉल आया, एक रेंज के अंदर काम कर रहा है और अगर इसके नीचे ये जाता है तो ये लेवल है, इसके ऊपर जाता है तो ये लेवल है, इसके ऊपर ब्रेकआउट जाता है तो नए लेवल्स हमें देखने को मिलेंगे एंड इसके नीचे आता है तो फिर हम लोग अपने ये सपोर्ट्स को मान के चल सकते हैं। ठीक है, लेट मी शो यू द रेंज एज वेल, ये हमें एक लेवल मान के चल सकते हैं, ठीक है, कि अगर यहाँ से फॉल करता है तो इस लेवल तक आ सकता है। ठीक है, तो अभी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें इतना ही पता चल रहा है। सो अगर ये पहले सबसे पहले इसको ब्रेक डाउन देता है, इसको ब्रेक डाउन देता है यानी कि 17,330 को ब्रेक डाउन देता है तो नेक्स्ट टारगेट होगा 17,280-290, 30-40-50 पॉइंट ही मिल पाएंगे आपको। ठीक है, अगर इसको भी ब्रेक डाउन करता है तो आपको ऑलमोस्ट 70-60 पॉइंट्स मिल सकते हैं। अदरवाइज अगर ये हायर साइड में ब्रेकआउट देता है जो कि 17,370 है तो इसके ऊपर हम लोग मान के चल सकते हैं कि 17,420-17,440 तक भी इंडेक्स जा सकता है, निफ्टी जा सकता है। ठीक है, तो अभी तक तो हमें यही पता चल रहा है,
एक बार बैंक निफ्टी को चेक कर लेते हैं एंड उसके बाद फिर चलते हैं ओपन इंटरेस्ट के डाटा पे और FIIs के डाटा पे। ओके, सो बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट सेटअप ओपन कर लिया है, इसको एक बार एनालिसिस करके देखते हैं। सो आई थिंक ये रहा टॉप एंड दिस इज द बॉटम, ठीक है, क्योंकि ये वाली जो कैंडल थी ये ऊपर ही एग्जैक्टली नीचे खुल के ऊपर गई थी, तो ये कैंडल बहुत रेयरली बनती है, तो इसको मैं भी मानता नहीं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप लोग देखेंगे ये वाली मैंने एक लाइन बना दी, तो एग्जैक्टली यहाँ पर ही मल्टीपल रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। इसके अलावा मैं एक जोन क्रिएट करता हूँ जो कि मुझे सपोर्ट के लिए चाहिए, तो आई थिंक सपोर्ट के लिए ये एक जोन बढ़िया लग रहा है, ठीक है। थोड़ा सा और इसे नीचे कर लेते हैं, यस। सो मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, अगर मैं इसे थोड़ा सा जूम करता हूँ, अगर ये इस लेवल के नीचे जाता है, आप देख रहे हैं, अगर ये इस लेवल को नीचे ब्रेक करता है तो पहला टारगेट तो हमें ये मिल सकता है, ठीक है। फर्स्ट टारगेट जो हमें मिल सकता है वो ये मिल सकता है, सेकंड टारगेट जो हमें मिल सकता है वो ये लेवल मिल सकता है, ठीक है। अगर इसके नीचे जाता है तो हमारा फर्स्ट टारगेट एंड सेकंड टारगेट है। अब अगर ये इसके ऊपर चले जाता है, अगर इसके ऊपर जाएगा तो भी हमें बाय नहीं करना, हमें बाय नहीं करना, क्यों? क्योंकि अगर मैं आपको दिखाता हूँ, ये देख रहे, ये छोटा सा हर्डल है, ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर इसने डबल टॉप क्रिएट करा और एक थ्री डार्क क्लाउडेड कैंडल्स का इसने पैटर्न फॉर्म करा था, ठीक है। तो ये एक रेजिस्टेंस बन सकता है। सो हमें बाय कब करना है? जब ये इस लेवल के ऊपर जाएगा तब बाय करेंगे। हमारा टारगेट क्या होगा? हमारा टारगेट होगा ये लेवल, लेट मी शो यू दिस लेवल, ठीक है, एंड दिस लेवल, ये तो हमारे टारगेट होंगे, ठीक है। सो हमें इस जोन के ऊपर बाय करना है, इस जोन के नीचे सेल करना है। ये दो टारगेट्स होना सेल साइड है और ये दो टारगेट्स होना बाय साइड है, ठीक है। अब चलते हैं एक बार ओपन इंटरेस्ट और FIIs के डाटा पे और चेक करते हैं कि किस तरीके से हमें मार्केट प्रिडिक्शन के रूप में पता चल रहा है कि कहाँ डायरेक्शन मूवमेंट दे सकता है। सो चलते हैं अपने ओपन इंटरेस्ट के डाटा पे। सो मैं ऑप्शन चेन के डाटा की तरफ आ चुका हूँ। सबसे पहले हम लोग निफ्टी को स्टडी कर लेते हैं। सो नेक्स्ट एक्सपायरी है 16th of September को, ठीक है। सो अभी जो क्लोजिंग देखने को मिल रही है निफ्टी की वो है 17,370 का। सो एट द मनी जो उसका स्ट्राइक प्राइस है दैट इज 17,350 का। सो एक बार 3050 पे एनालिसिस कर लेते हैं एंड फर्दर देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक चीज देखेंगे कि कॉल का ऊपर इंटरेस्ट हाईएस्ट कहां पर है, जो कि हम लोगों को देखने को मिल रहा है 17,400 पे, और सेकेंड हाईएस्ट है 17,500 पे जो कि 19 लाख का है, एंड फर्स्ट है 26 लाख का, ठीक है। पुट साइड में 17,300 पे है एंड 17,200 पे है। सो यानी कि एक रेंज डिसाइड हो गई है 17,200 से लेके 17,500 तक की, ठीक है। सो ये एक 300 पॉइंट की रेंज है और एग्जैक्टली अभी अपने मिड पॉइंट पे निफ्टी खड़ा है, 150 पॉइंट नीचे, 150 पॉइंट ऊपर, ठीक है। सो हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर यहाँ पर हम लोग फर्दर एनालिसिस करें, सो हम लोग वो 17,350 का अगर मैं देखूँ, सो कॉल राइटिंग ज़्यादा 8.7 लाख की है और पुट राइटिंग मुझे 6.9 लाख की, मतलब इक्वल है। सो मार्केट रेंज बाउंड रह सकती है, इन 150-150 अपसाइड और डाउनसाइड के मूवमेंट कर सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एक स्ट्रैटेजी तो बना के चल सकते हैं। सो एक बार कल की मार्केट को ऑब्जर्व करते हैं और देखते हैं कि मार्केट किस तरफ मूवमेंट करता है। अगर एग्जैक्टली 150 पॉइंट डाउनसाइड और अपमूव के थ्रू काम करता है ना, तो कल मैं आप लोगों को एक स्ट्रैटेजी दूंगा जिसके बेसिस पर हम लोग नेक्स्ट एक्सपायरी जो वीकली एक्सपायरी है उस पर प्ले कर सकते हैं। ये एक रेंज हमें पता चल जाएगी, इस रेंज के अंदर हम लोग एक स्ट्रैटेजी बिल्ड करेंगे एंड उसको हम लोग एक्सपायरी तक कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार मंडे की मार्केट को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं एंड उसके बाद अपना डिसीजन लेते हैं, ठीक है। तो एक बार बैंक निफ्टी को चेक कर ले, बैंक निफ्टी को एक बार चेक कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी क्या शो कर रहा है। तो बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग है वो 36,683 की है। सो एट द मनी जो है 36,700 का। सो 36,700 और अगर हम लोग पूरे ऑब्जर्व करें तो हाईएस्ट कॉल राइटिंग जो देखने को मिल रही है वो देखने को मिल रही है 37,500 पे, जो कि बहुत ज़्यादा दूर है। इसके अलावा सेकेंड हाईएस्ट देखने को मिल रही है 37,000 पे, जो कि आसपास है, और एट द मनी में भी बिल्कुल सिमिलर और आसपास की कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है, ठीक है। और अगर हम लोग पुट साइड देखें तो पुट साइड में हम लोगों को देखने को मिल रहा है 36,000, जो जहाँ पर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पुट राइटिंग देखने को मिल रही है 6.5 लाख की, एंड सेकेंड हाईएस्ट है 36,500 का, ठीक है।
एक चीज हमें पता चल रही है कि जो पुट राइटर्स हैं वो ज्यादा, जो कॉल राइटर्स हैं वो ज्यादा हेवी है, ठीक है, मतलब अपसाइड की जो लेवल्स हैं वो कम देखने को मिल रहे हैं बैंक निफ्टी के अंदर, ठीक है। सो अगर ये 36,700 के ऊपर कल गैप अप देखने को मिलता है और उसके ऊपर सस्टेन करता है, क्या बोला मैंने, अगर इसके ऊपर गैप अप देखने को मिलता है और ऊपर सस्टेन करता है आधा घंटा भी, तुम्हारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा दैट इज 37,000 रुपीज का, और वहां पर सबसे ज्यादा हाईएस्ट कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है, ठीक है। सपोर्ट कहाँ कहाँ पर है, एक तो 36,500 पे है बिकॉज वहां पर 5.2 लाख का ओपन इंटरेस्ट का कॉन्ट्रैक्ट जुड़ा हुआ है। 36,700 पे मार्केट मुझे लगता है 100 रुपये ऊपर और 100 रुपये नीचे ही क्लोज कर सकती है, क्यों, आप देख रहे हैं कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग 36,700 पे सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है। सो मार्केट क्या कर सकती है, ऊपर जाने की कोशिश करेगी फिर नीचे आ जाएगी, नीचे जाने की कोशिश करेगी फिर ऊपर, मतलब इसी के आसपास क्लोजिंग की उम्मीद लग रही है, तो इसको हम लोग ऑब्जर्व एक बार जरूर करके चलेंगे। अब एक बार बात कर लेते हैं FII के डाटा के ऊपर, तो FII का जो डाटा है वो हमें पता चल रहा है कॉल पे उन लोगों ने लॉन्ग भी करा है शॉर्ट भी करा है, तो टोटल अगर मैं एवरेज बताऊं तो 1.8 लाख क्वांटिटीज लॉन्ग है एंड पुट पे 2 लाख क्वांटिटीज वो लोग बियरिश है, ठीक है। मैं ये FII का बता रहा हूं आपको, ओपन इंटरेस्ट का, ठीक है। अब थोड़ा सा एक बार नीचे आते हैं, तो FII से 9th ऑफ सितंबर यानी कि थर्सडे को 1500 करोड़ का इंडेक्स में फ्यूचर को बेचा है। अभी हम लोगों ने ओपन इंटरेस्ट ऑप्शन चेन में क्या देखा कि जो अपसाइड है वो बहुत लिमिटेड है और डाउनसाइड ज्यादा है क्योंकि कॉल राइटर्स ज्यादा है और पुट राइटर्स कम है, हमने ये चीज ऑब्जर्व करी, तो हमें देखा कि इंडेक्स का फ्यूचर भी लोगों ने शॉर्ट कर रखा है। इसके अलावा स्टॉक्स पे FII और DII दोनों की बाइंग है, ये अच्छी चीज है, ठीक है। सो अभी हमें एक चीज तो पता चल रही है कि वो लोग ऑप्शन डाटा पे मतलब सिमिलर है, मतलब ऑप्शन डाटा अगर हम लोग चेक कर रहे हैं प्लस हम लोग अगर ऊपर का इनका ओपन इंटरेस्ट चेक कर रहे हैं इंडेक्स का, तो हमें पता चल रहा है कि रेंज बाउंड है, मार्केट स्टेबल है, रेंज बाउंड है। फ्यूचर हमें बता रहा है कि वो लोग शॉर्ट है, तो यानी कि उन लोगों ने साइडवेज टू डाउन ट्रेंड की एक स्ट्रैटेजी बिल्ड करके रखी होगी, तो वहां पर हम लोगों को इस तरीके से अपना ऑब्जर्वेशन लगा के चलना होगा, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी गाइस, सो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आई है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमें जरूर वॉच करते रहेगा। सो मैं मिलता हूँ आप लोगों से कल दूसरी वीडियो पे, तब तक के लिए मैं शिवाज बसीन साइनिंग।